तरस जाएगी रानी मांग अपनी भगवान श्री राम चले हैं वन। तो कहते हैं सुखदेव के महाराज, जब वन जाने की खबर महाराज दशरथ को पता चली, बहुत रोका लेकिन भगवान नहीं माने और कहने लगे कि हे पिता, संसार के लोग ये कहेंगे कि मौसी ने कहा इसलिए नहीं माना, माँ कहती तो वन चले जाते, मैं वन जरूर जाऊंगा। और 14 वर्ष की ही तो बात है, वन कौन लक्ष्मण राम चले, संग चली वो जनिक दुलारी। भैया तपसी का भेष धारण किया, भगवान चले हैं, मंत्री सुमंत को संकेत किया, कहा चलो हमें जंगल तक छोड़ाओ। दशरथ बोले ऐसे कैसे जंगल तक छोड़ाओ, मंत्री 14 दिन घुमा करके न तीनों को वापस अयोध्या में ले आना। लेकिन राम जी नहीं माने, चले हैं तो ध्यान रखना, विद्वान कह रहे हैं कि जब तक रथ दिखा तब तक देखते रहे। रथ आंखों से ओझल हुआ तो महाराज दशरथ ने पुत्र के मोह में अपने प्राण। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जो श्रवण कुमार था, जो श्रवण कुमार था वो राजा दशरथ का भांजा था, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि महाराज दशरथ जो थे वो शब्द भेदी थे। शब्द भेदी का मतलब होता है जहां से शब्द निकला वहीं परवान लगेगा। तो जब श्रवण कुमार पानी भरने गया, जब राजा दशरथ ने डुब डुब की आवाज सुनी तो बाण छोड़ा। एक बात बताइए, शब्द तो तुमी से निकल रहा था तो बाण तुमी में लगता, सीने में क्यों लगा? महाराज दशरथ तो शब्द भेदी थे। दूसरी बात, अगर हिरण समझ के बाण मारा भी तो पानी पीना कोई बुरी बात तो है नहीं, पानी वही कोई भी पी सकता है, पशु भी पी सकता है, जानवर भी, इंसान भी, राक्षस भी, कोई भी पी सकता है।
और पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं होता है। अगर महाराज दशरथ ने मृग समझ के बाण मारा भी तो क्यों मारा? हिरण तो पानी पी रहा था, पानी से क्या दिक्कत थी राजा दशरथ को? दूसरी बात, जब राजा दशरथ स्वयं पृथ्वी से निकले थे तो भांजा कहाँ से आया? लोग कहते हैं ना सुरकुमार राजा दशरथ का भांजा था। जब राजा दशरथ स्वयं पृथ्वी से निकले थे तो बहन कहाँ से आई? बहन के छोड़ो भांजा कहाँ से आया? कथा अथा है, वेद का वेद ब्रह्मा जी भी नहीं पा सके। महाराज प्राण त्यागे हैं दशरथ ने। विद्वान कहते हैं